बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 31st लेक्चर है। फार्मास्यूटिक्स में चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ है, डोजेज फॉर्म का। आज भी इसी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म जो है वो स्टडी किया था। हमने पढ़ा था कि डोजेज फॉर्म को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिजिकल फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो उसके मुताबिक हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। इसके अलावा फिजिकल फॉर्म्स हमने देखी थी, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड गैशियस डोजेज फॉर्म। तो लास्ट लेक्चर में हमने इनको डिस्कस किया था। आज हम टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म जो है वो स्टार्ट करेंगे। डोजेज फॉर्म का आज पार्ट 4 है। टाइप्स जो है हमने डोजेज फॉर्म की आज डिस्कस करनी है, क्या क्या टाइप्स हैं डोजेज फॉर्म की, और सब टाइप्स जो हैं उनको वन बाय वन हमने डिटेल में डिस्कस करना है। टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म, डोजेज फॉर्म की डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़नी है, किस किस फॉर्म में जो है डोजेज फॉर्म बनाई जाती है, ठीक है। लोजेंजेस हैं, लोजेंजेस जो हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म में आ जाती हैं। सीरप्स हैं, सीरप्स लिक्विड डोजेज फॉर्म है। सस्पेंशंस भी लिक्विड डोजेज फॉर्म में आ जाती हैं। एलिक्सर्स भी लिक्विड डोजेज फॉर्म है। लोशंस जो हैं वो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। पाउडर्स जो हैं वो सॉलिड डोजेज फॉर्म है। ऑइंटमेंट्स जो हैं वो सेमी सॉलिड्स में आ जाती हैं। क्रीम्स जो हैं वो भी सेमी सॉलिड में आती हैं। सपोजिट्रीज जो हैं वो सॉलिड में आ जाती हैं। पिल्स, कैप्सूल्स, टैबलेट्स जो हैं ये भी सॉलिड डोजेज फॉर्म है। एरोसोल्स गैशियस हैं। टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म जितनी ये टाइप्स आपको नज़र आ रही हैं, 13 टाइप्स जो हैं इनकी, इन टाइप्स को, इन डोजेज फॉर्म्स को जो है हमने डिस्कस करना है वन बाय वन डिटेल से। टोटल टाइप्स जो हैं डोजेज फॉर्म की ये 13 है, ठीक है। इनको जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम इन डोजेज फॉर्म में से लोजेंजेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज की हमारी फर्स्ट डोजेज फॉर्म है जिसको हमने डिस्कस करना है। आज हम लोजेंजेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप जो है डोजेज फॉर्म की, लोजेंजेस। लोजेंजेस का नाम आपने सुना होगा। लोजेंजेस जो हैं ये सॉलिड डोजेज फॉर्म है। लोजेंजेस जो हैं वो डिस्क शेप और फ्लैट शेप जो होती हैं, हार्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म है, हार्ड होती हैं ये। यूजली जो है लोकल एक्शन जो है उसको, लोकल एक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं, लोकल एक्शन जो है उसको ठीक करती हैं। फॉर एग्जांपल सोर थ्रॉट है, गला ख़राब है, तो इनको जो है लोजेंजेस को ओरली लेते हैं। तो ये जो है थ्रॉट का जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी सोजिश जो होती है उसमें ख़त्म कर देती हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो स्ट्रेप्सिस, आपने ज़रूर देखी होगी। स्ट्रेप्सिस जो है वो भी लोजेंजेस में आ जाती है। तो स्ट्रेप्सिस को जहन में रखें तो आपको समझ आएगी कि लोजेंजेस जो हैं वो क्या होती हैं। इसके अंदर मेडिसिन होती है जो लोकल इफ़ेक्ट जो है प्रोड्यूस करती है।
इसके अलावा इनकी जो है इजीली जो है लिया जा सकता है इनको, जब इनको ओरली लेते हैं लोजेंजिस को, ये स्लोली जो है वो मुंह में डिजॉल्व हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिजॉल्व होती है, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट इसका प्रोड्यूस होता है ज़्यादा देर तक। ज़्यादातर फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेप्सिल जैसे हैं तो शुगर सिरप जो है उससे मिलके बनाई जाती है ये, ठीक है। लोजेंजिस जो है वो सॉलिड डोजेज फॉर्म है जो लोकल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। ओरली इनको लिया जाता है, डिस्क शेप या फ्लैट शेप इनका इनकी शेप होती है। तो नेक्स्ट हम आके जो है लोजेंजिस के बारे में इसके बारे पढ़ते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड लोजेंजिस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रॉचिस, पेस्टल एंड कफ ड्रॉप्स। लोजेंजिस को इन तीनों नामों से भी जाना जाता है, तीन नाम जो है इनको यूज़ भी किया जाता है, इसके अलावा रॉचिस भी कहा जाता है, पेस्टल भी और कफ ड्रॉप्स भी। डेफिनेशन क्या है इसकी? लोजेंजिस आर फ्लैट डिस्क शेप हार्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकमेंट्स विच आर मेंट फॉर स्लो डिजोल्यूशन इन माउथ। फ्लैट डिस्क शेप्ड होती हैं, हार्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म है, विच आर मेंट फॉर स्लो डिजोल्यूशन इन माउथ। माउथ में जब इसको लेते हैं ओरली तो स्लो इसकी डिजोल्यूशन होती है, ठीक है। अ स्मॉल मेडिसिनल टेबलेट डिस्क शेप टेकन फॉर सोर थ्रॉट एंड डिजॉल्व इन द माउथ। ये एक नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन है कि डिस्क शेप होती है, मेडिसिनल टैबलेट है ऐसी जो माउथ में डिजॉल्व होती है स्लोली और सोर थ्रॉट के लिए ली जाती है ज़्यादा। इसके अलावा जो है ये सोर थ्रॉट के लिए कहा गया है, इसके अलावा और भी लोजेंजेस होती हैं और डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सोर थ्रॉट के लिए ही ली जाए लोजेंजेस, कुछ लोजेंजेस जो हैं वो और सिस्टेमिक इफ़ेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं अगर वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाए तो ब्लड में, ठीक है। ये लोजेंजिस की डेफिनेशन थी कि फ्लैट डिस्क शेप होती है, हार्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है और माउथ में इसकी डिजोल्यूशन जो है स्लो होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसके बारे में। करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या हैं लोजेंजिस के? दे आर लार्ज इन साइज, यूजली इन डिस्क और फ्लैट शेप, डिस्क और या फिर फ्लैट शेप में होते हैं। डिस्क शेप जो है वो स्फेरिकल होती है, फ्लैट शेप्ड होते हैं। दे आर सॉलिड डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म है ये। दे आर यूज फॉर लोकल इफेक्ट ऑन थ्रॉट, लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए थ्रॉट में गले में यूज़ की जाती हैं ज़्यादातर। दे मे बी यूज फॉर कफ रेमेडी, कफ रेमेडी के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। दे आर यूज फॉर स्लो रिलीज ऑफ मेडिकमेंट्स। अब जो इसको लेते हैं तो स्लो रिलीज होगी, स्लो डिजोल्यूशन होगी, तो इसकी मेडिसन जो है वो भी स्लो रिलीज होगी। दे आर हार्ड, सो स्लोली डिजॉल्व और डिसइंटीग्रेट। हार्ड होती हैं ज़्यादातर, ये हार्ड होती हैं इसलिए स्लोली डिजॉल्व होती हैं और डिसइंटीग्रेट स्लोली जो है इसका डिजोल्यूशन रेट स्लो होता है, ठीक है। ये सिंपल सी इसके बारे में इसके करेक्टरिस्टिक्स से, कोई मुश्किल नहीं है इनको याद करना या इनको समझना, कि सिंपल सी इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए। डिस्क और फ्लैट शेप्ड होते हैं ये, सॉलिड डोजेज फॉर्म है, लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादातर जो है कफ रेमेडी में या सोर थ्रॉट के लिए इसको लिया जाता है। स्लो डिजोल्यूशन रेट है इनका, ठीक है, स्लोली डिजॉल्व होते हैं माउथ में। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स थे लोजेंजिस के। नेक्स्ट आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ लोजेंजिस।
रेंजेस की कौन सी टाइप्स हैं, डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से किस तरीके से बनाया जा रहा है। रोजेंजेस मोल्डेड रोजेंजेस होती हैं, और इसके अलावा कंप्रेस्ड रोजेंजेस, ठीक है। टू टाइप्स हैं, मोल्डेड रोजेंजेस एंड कंप्रेस्ड रोजेंजेस। इनको आगे पढ़ते हैं, इनकी टाइप्स को। सबसे पहले आ जाता है मोल्डेड रोजेंजेस। मोल्डेड रोजेंजेस जो हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं। दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑल पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स विद हार्ड शुगर बेस। अब क्या होता है, इसमें शुगर बेस पहले बनाई जाती है, शुगर को जो है गर्म किया जाता है, उसको हार्ड किया जाता है, सख्त किया जाता है। फिर उस शुगर के अंदर जो है सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी चाहिए होते हैं उसको मिक्स किया जाता है, ठीक है। पहले जो है दे आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑल पाउडर इंग्रेडिएंट्स विद हार्ड शुगर बेस। हार्ड शुगर बेस के अंदर सब इंग्रेडिएंट्स को जो है उसको मिक्स किया जाता है। रोल द होल मैस इनटू यूनिफॉर्मली थिक पाइप। अब जैसे आपको नज़र आ रहा है, जब उसको शुगर बेस जो होती है वो थिक हो जाती है, हार्ड हो जाती है, इसके बाद उसको रोल किया जाता है, शुगर की जो बेस है उसको, जिसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो गए हैं, उसको रोल किया जाता है और उसको पाइप की शक्ल जो है वो दी जाती है, जैसे आपको इसमें पिक्चर्स में नज़र आ रहा है। थिक पाइप की शक्ल में जो है उनको रोल किया जा रहा है। इसके बाद जब वो पाइप जो है प्रॉपर इनकी शेप आ जाती है तो फिर वो मशीन में ऊपर मूव करता है। इसके बाद दिस इज देन कट इनटू इक्वल साइज लोजेंजेस। इसके बाद जो है जब वो पाइप की शक्ल में आ जाता है उसके बाद उसको इक्वल साइज जो है लोजेंजेस में उसको कट किया जाता है। कटर्स होते हैं स्पेशल जो कट करते हैं। लोजेंजेस आर देन ड्राइड इन हॉट एयर। इसके बाद जो है लोजेंजेस को हॉट एयर में, गर्म हवा में उसको ड्राई किया जाता है। ये मोल्डेड लोजेंजेस हैं वो इस तरीके से बनाई जाती हैं। पहले शुगर बेस जो है उसको बनाया जाता है, शुगर सिरप को उसको थिक किया जाता है। थिक करने के बाद उसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स और ड्रग जो भी उसमें ऐड करनी है तो वो सब कुछ उसके बाद ऐड करते हैं। उसके बाद उसको रोल करते हैं और थिक पाइप की शक्ल में हो जाती है, क्योंकि शुगर बेस है उसको हार्ड किया हुआ है तो पाइप की शेप में जो है वो आ जाती है। इसके बाद उसको इक्वल साइज में लोजेंजेस को कट किया जाता है, कटर्स होते हैं स्पेशल। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है वो हॉट एयर में इसको ड्राई किया जाता है और उसको पैक कर दिया जाता है। तो इस तरह से मोल्डेड लोजेंजेस जो हैं वो बनती हैं इस तरीके कार से। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है कंप्रेस्ड लोजेंजेस। दे आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेसिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स बाय मशीन। अब इसको क्या किया जाता है, सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद उसको कंप्रेसिंग मशीन में डाल देते हैं जिससे वो कंप्रेस हो जाती हैं लोजेंजेस, ठीक है। इसमें कंप्रेस लोजेंजेस में इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है, सब इंग्रेडिएंट्स को, और उसको कंप्रेस कर दिया जाता है कंप्रेसिंग मशीन से, ठीक है। डिफरेंट किस्म की जो है वो डाइज होती हैं, उसके ऊपर जो है इंग्रेडिएंट्स उसको डाला जाता है, जो हमारे पास मिक्सचर होता है, उसके बाद उसको कंप्रेस कर दिया जाता है ऊपर से और उनकी प्रॉपर शेप आ जाती है लोजेंजेस की, ठीक है। इस तरीके से जो है कंप्रेस लोजेंजेस वो बनाई जाती है। तो ये टाइप्स ऑफ लोजेंजेस थी, किस टाइप टू टाइप्स हैं जो हैं उनके
अकॉर्डिंग टू देयर मेथड कि किस तरह से वो बनाई जाती हैं, मोल्डेड लूज एंजेस होती हैं और कंप्रेस लूज एंजेस होती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग, लूज एंजेस जो हैं उनकी स्टोरेज और पैकिंग क्या होगी? लोजेंजेस शुड बी पैक्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए इसकी पैकिंग के लिए, ठीक है। स्टोर देम एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे स्टोर करना है इनको। प्रोटेक्ट लोजेंजेस फ्रॉम मॉइस्चर, शुगर होती है इसमें और इसके अलावा मॉइस्चर से बचाना है, उसे प्रोटेक्ट करना है स्टोरेज में कि वो ख़राब ना हो जाए। वेल क्लोज कंटेनर होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए और मॉइस्चर से जो है वो प्रोटेक्ट करना है लोजेंजिस को। ये स्टोरेज और पैकिंग थी इसकी। एडवांटेजेस, लोजेंजिस के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके? दे हैव स्लो डिजोल्यूशन रेट, डिजोल्यूशन रेट स्लो होता है, हार्ड होती हैं, इस वजह से स्लोली जो है वो डिजॉल्व होती हैं माउथ में। इजी टू एडमिनिस्टर टू चिल्ड्रन एंड ओल्ड पेशेंट, इजीली इसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है बच्चों में और ओल्ड पेशेंट जो बड़ी उम्र के अफराद होते हैं वो इजीली लोजेंजिस को ले सकते हैं। प्लेजेंट टेस्ट होता है इसका, डिफरेंट टेस्ट में आती हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं इसके, तो इसको लेना जो है वो प्लेजेंट टेस्ट होता है इसका, स्वीट टेस्ट भी होता है। कीप द ड्रग इन कॉन्टैक्ट टू द ओरल कैविटी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि ड्रग जो है उसमें मौजूद है लोजेंजिस में, क्योंकि डिसोल्यूशन रेट भी इसका ज़्यादा स्लो है, तो ड्रग जो है ओरल कैविटी में ज़्यादा देर तक लॉन्गर ड्यूरेशन तक जो है वो स्टे करती है माउथ के अंदर, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसोल्यूशन रेट जो है इसका स्लो होता है, इजीली एडमिनिस्टर किया जा सकता है, प्लेजेंट टेस्ट होता है, ओरल कैविटी में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जो है वो स्टे कर सकती है, इन कॉन्टैक्ट होता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट शुड नॉट बी स्वॉलोड, इसको स्वॉलो नहीं किया जा सकता, ठीक है, सिर्फ ओरली ले सकते हैं कि जब तक वो फुली डिजॉल्व ना हो जाए। जैसे हम आम टैबलेट्स को स्वॉलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं पानी के साथ, इसको स्वॉलो नहीं किया जा सकता। गिव रिलीफ फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, कि जैसे ही वो ख़त्म हुई है टैबलेट लोजेंजेस हमने ली है, जैसे ही वो एंड हुई है, ख़त्म हुई है, तो उसका जो रिलीफ है वो भी उसका आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है, इसलिए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसका आराम आता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आराम नहीं आता। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिर हमने और मेडिसिन लेनी पड़ेगी, सिर्फ लोकली जो है शॉर्टर पीरियड के लिए जो है उसका इफ़ेक्ट होता है लोजेंजेस का। नेक्स्ट है, ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट जो है लोजेंजेस बनाई जाती हैं डिफरेंट पर्पजेस के लिए, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो सोर थ्रॉट के लिए ही बनाई जाती हैं लोजेंजेस। एग्जांपल्स में इसकी हैं बिस्मथ लोजेंजेस है, निकोटीन लोजेंजेस हैं, लिकोरिस लोजेंजेस एंड स्ट्रेप्सिल्स। स्ट्रेप्सिल्स जो है वो मोस्ट कॉमन लोजेंजेस हैं जो यूज़ की जाती हैं सोर थ्रॉट के लिए, लोकल इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, ये सोर थ्रॉट में जो है वो आराम आता है। इसके अलावा बिस्मथ और निकोटीन लोजेंजेस जो हैं ये डिफरेंट इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, इनका डिफरेंट इफेक्ट है। फॉर एग्जांपल निकोटीन लोजेंजेस हैं वो बनाई जाती हैं, वो स्मोकिंग जो है उसको ख़त्म करने के लिए एक तरह से लोजेंजेस बनाई जाती हैं।
इसके अलावा और भी इसके एग्जांपल, लेकिन फ्यू एग्जांपल जो हैं वो आपके सामने हैं, बिस्मत लोजेंजेस हैं, निकोटीन लोजेंजेस हैं, लिकोरिस हैं और स्ट्रेप्सिल्स हैं। ये लोजेंजेस हैं जो यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी जो हैं ये आपके लिए इतनी काफ़ी हैं। तो ये आज की डोजेज फॉर्म की फर्स्ट टाइप थी लोजेंजेस जो हमने पढ़ी है। बहुत ही सिंपल है, आसान है, सिंपल इसमें बताया हुआ है सब कुछ, आपके लिए याद करना मुश्किल नहीं होगा समझना। ठीक है, आज का लेक्चर जो है वो उसको नोट डाउन करें, याद करें और इसकी असाइनमेंट बनाएं आज के लेक्चर की लोजेंजेस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट डोजेज फॉर्म जो है टाइप उसको डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।